हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम ले रहे हैं हमारे क्लास 12th के टॉपिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर है फर्स्ट, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपके जो क्लास 12th है उस क्लास 12th के अंदर आपके जो हाफ क्वेश्चन है वो सिर्फ किससे रिलेटेड है, आपके इलेक्ट्रिसिटी, और बाकी का जो हाफ क्वेश्चन है उस हाफ पोर्शन में आपके आ जाता है ऑप्टिकल्स, मॉडल फिजिक्स, एंड सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहले हम जो कवर करेंगे वो हम क्या कवर करेंगे, आपके इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितना भी पोर्शन है पहले हम वो कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम कवर करेंगे आपके ऑप्टिकल्स, मॉडल फिजिक्स और सेमी कंडक्टर्स को कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, आपके चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग के, आपके चैप्टर हैं 4 या 5 चैप्टर आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं। 4 टू 5 चैप्टर्स हैं आपके वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं। इसमें भी आपको अगर 5th चैप्टर है अगर आपको वो कवर करना है तो उसके लिए आपको पहले 1st चैप्टर कम्प्लीटली आना होगा। अगर आपको 1st चैप्टर कम्प्लीटली आता है तभी आप 2nd, 3rd, 4th और 5th चैप्टर उसको यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले सिर्फ बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो देखिए क्लास 12th है, उस क्लास 12th में आपके एक जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको क्लास 12th में 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पोर्शन क्या होता है आपके आपके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सेकंड पोर्शन क्या है आपके यहाँ पे, मैकेनिज्म। एंड जो थर्ड पोर्शन है वो थर्ड पोर्शन है आपके इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो किससे रिलेटेड है, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, जब हमारे पास कोई चार्ज होता है वो कहीं पे मूव नहीं करता है, रेस्ट की कंडीशन में रहता है। सो व्हेन चार्जेस आर not moving or at a rest condition, that is called the electrostatics. Okay, second है आपके पास when charges are moving with constant velocity, that is called the magnetism. Okay, that is the magnetism. And the third one is electromagnetic waves. क्या होगा इसमें, when charges are moving, charges move तो हो रहे हैं but with some acceleration. Acceleration means with not a constant velocity, that is called the electromagnetic waves. तो आपकी जो बुक के अंदर स्टार्टिंग चैप्टर है वो स्टार्टिंग चैप्टर इन तीनों से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर है आपके, सेकेंड और तो थर्ड चैप्टर है वो है आपके, फर्स्ट चैप्टर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है, सेकेंड और थर्ड जो चैप्टर्स हैं वो आपके मैकेनिज्म से रिलेटेड हैं, और जो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एंड जो फिफ्थ चैप्टर है वो आपके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इन्हीं वेव्स के थ्रू जो जितने भी हमारे पास जो आजकल वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहे हैं वो इन्हीं वेव्स के थ्रू हो रहे हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन। और इस वेव्स की
बारे में जो जिसने हमें बताया था वो साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल। 11th में भी हमने इस मैक्सवेल के बारे में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। 12th में जो वायरलेस कम्युनिकेशन, जितने भी हमारे मोबाइल्स हैं, जितने भी हमारे नेटवर्क्स चल रहे हैं, वो सब किसके थ्रू हो रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये आपके कौन सी वेव्स होती हैं? जो लाइट वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स, एक्सरे, दैट ऑल आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो अब हम ले रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ चार्जेस आर नॉट मूविंग, हम चार्जेस को मूव नहीं करेंगे। अगर किसी एक पोजीशन पे कोई चार्ज है, मान लेता हूँ प्लस चार्ज है या प्लस का क्यू चार्ज है, तो वो उसी कंडीशन में उसी कोऑर्डिनेट्स के अंदर रहेगा, वो कहीं पे भी मूव नहीं करेगा। अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा जो ये चार्ज है प्लस चार्ज, ये आपका किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा, बट विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी। थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें क्या होगा, जो हमारा चार्ज है वो चार्ज आपके मूव तो करेगा बट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, किसी ना किसी एक्सेलरेशन के थ्रू वो आपका मूव जरूर करेगा। ओके, तो ये हमारा क्लास 12th का बेसिक हो गया।